हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल एडेड 1894 पोस्ट के एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, यहां आप सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, बट यहां बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो वीडियो में बताने वालों कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या कोई अदर ब्राउज़र ओपन कर लेना, और यहाँ सबसे पहले आपको सर्च करना है sarkarizult.com। sarkarizult की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे आप। यहाँ आपको लिंक देखने को मिलेगा अपने एडमिट कार्ड का, देख सकते हैं। यहाँ आप सभी को एडमिट कार्ड का लिंक देखने को मिल जाएगा। यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल का यहाँ एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, तो देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो यहाँ आपको एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, दोबारा से ये पेज लोडिंग लेगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम डाउनलोड करें तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे जैसे ही आप, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। अब बट यहाँ कहीं ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है, पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है। पासवर्ड के बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा नहीं शो हो रहा है तो इसको ग्रीन वाले सर्किल को आप रिफ्रेश कर लेंगे, उसके बाद आपको पासवर्ड ये कैप्चा कोड शो हो जाएगा। अब बात करें पासवर्ड जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है, वो पासवर्ड यहाँ से निकलेगा, देख सकते हैं। रिसेंट आपको पासवर्ड मिल जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। उस पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपना वही नाम डालना जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था। उसके बाद आपको अपना मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था, ईमेल आईडी, और उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ डाल देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ सेंड रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका जो पासवर्ड है वो भी आपको मिल जाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपके ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हो, प्लीज़ वेट सम टाइम आफ्टर यूजिंग दिस फैसिलिटी, चेक योर ईमेल बॉक्स एंड लॉगिन। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं सारी डिटेल डाल के आपको दिखाता हूँ। सारी डिटेल्स को डालने के बाद आपको जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सारा का सारा देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं आपको यहाँ एक टीचर का दिखेगा, एक प्रिंसिपल का दिख रहा है, तो मैंने दोनों के लिए अप्लाई कर रखा था, तो दोनों दिख रहा है। और उसके बाद आपको यहाँ आपको प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको दोबारा से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज पे आपको ये शो होने लगेगा जो कि आपका टीचर का एडमिट कार्ड है वो शो होने लगेगा। यहाँ आपका रोल नंबर, सारी डिटेल दिए होंगे, कॉलेज का नाम, फोटो वगैरह सब कुछ देखेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम में भी आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।